साथियों नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज आपको मिलवाते हैं हमारे चहेते हमारे परिचित रोहित काकरान जी से, किसान टेक फार्मिंग यूट्यूब चैनल से। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। भाई जी नमस्कार, कैसे हो भाई जी? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई, जोर बताओ जी। बस जी अच्छे हैं, राजी खुशी हैं आपसे मिलने आए, काफी दिनों के बाद आज चक्कर लगा। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि अब अपने पास इस टाइम पे कौन कौन सी वेराइटियाँ हैं गन्ने की। पहले तो चलो परिचय देता हूँ। रोहित चौधरी, गांव राठौर, जिला मुजफ्फरनगर, और छोटा सा चैनल भी है अपना फेसबुक यूट्यूब दोनों पर, टैग किसान फार्मिंग राठौर। बहुत से लोग आपके चैनल पर परिचित हैं जी जी, कंपनी में तो मोस्टली सभी लोग परिचित हैं, थोड़ा बाहर का आउटसाइड भी बता दूं तो भाई जी का चैनल अवश्य फॉलो करियो, सब्सक्राइब करियो। कहने का मतलब भाई जी भी काफी अच्छे प्रयास कर रहे हैं, कुल मिला के किसान को उठाने का काम और एक जागरूक कराने का काम, बिल्कुल बिल्कुल, दो तीन काम प्लस उसकी आमदनी बढ़ाने का काम, उन सारी चीजों को एक मतलब एक स्तर पे लेके चल रहे हैं। वो चीज मुझे आपकी बड़ी अच्छी लगी। बिल्कुल। तो भाइयों कब पूछ रहे भाई जी, वहीं से शुरू करते हैं। आप बोलते हैं, हमारी जिज्ञासा ये थी कि आपके पास बहुत सारी नई वेराइटियां हैं भाई जी, और सबसे पहले तो आप वेराइटी का ही जिक्र करिए क्योंकि किसानों को इस टाइम 0238 ने बहुत परेशान करा है और वेंटिलेटर की कंडीशन है उसकी, तो क्या नए वेराइटियां जो आई हैं वो चूज करनी चाहिए, कौन कौन सी वेराइटियां अपने पास हैं जो किसानों के हित की हैं, कौन कौन सी इस टाइम पे आपके पास हैं, तो एक एक करके स्टार्टिंग करिए। सबसे पहले पीछे पीछे की जो वेराइटी है यही बताइए। चलो इसकी भी बताऊंगा भाई जी, पहला बताऊं 38 की स्थिति। देखो मेरा अगल बगल भी खड़ा, थोड़ी क्या बहुत बड़ी समस्या भर गई, कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी कहीं ज्यादा डाउन हुई है, तो स्प्रे वगैरह भी कहां लो कब तक करोगे? मोस्टली 30 इंची पे लोग बाग बुआई करते हैं तो उसमें स्प्रे वगैरह होना बहुत मुश्किल मामला बन गया रहा। ये नहीं कि 38 अच्छा नहीं है, कुछ बेल्ट हैं जहां पे 38 बहुत अच्छा है। आज भी 38 के शानदार किसान है काफी जिन्होंने सीड वगैरह पे काम किया, यानी कि बीज की गुणवत्ता, भूमि चयन या भूमि शोधन वगैरह इस तरह की चीजों पर ध्यान दिया, और न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब उचित ढंग से बना के चले, और स्प्रे वगैरह प्रॉपर टाइम पीरियड में उन्होंने करे है, तो उनके यहाँ पे तो सुरक्षित अभी भी है। अब नॉर्मल हो क्या रहा, आम किसान तो ये सब नहीं करता, ये तो बताया है कि मतलब कि बहुत ज्यादा जागरूक किसान है वो इन चीजों पर ध्यान देते हैं, नहीं तो नॉर्मली है खेत बोया भाई जी, बीज बाज कुछ चुनाव नहीं, इधर कट्टा सीधा खेत में, ये भी नहीं देखते कि उस बीच में कुछ ओखो जोखो हो रही है नहीं, कोई रेड रूट वगैरह, कोई हरी बीमारी, कोई फंगस हो, कोई बीमारी हो, ट्रीटमेंट दे रहा, उन चीजों पर भी ध्यान नहीं रहता। तो भाई जी बताना जम्मा, ये वेराइटी पीछे की तरफ बताऊँ आपसे, ये है COPV99, आ जाओ देख लो, PV99 के नाम से बोलते हैं सर, इसे जानते हैं 17215 के नाम से। अच्छा है तो जर्नल की वेराइटी है, पंजाब की शान वेराइटी है जो बोलते हैं। हाइट अच्छी है, हाइट भी अच्छी है, सबसे बड़ी बात है इंसेक्ट कंट्रोल कहीं ज्यादा है। मैं खाली इसके नहीं बोलने का, इसके लिए नहीं बोलने का, मैं जर्नल की वेराइटी आप कोई भी उठा लो कहीं से भी, चाहे आपकी करनाल संस्थान की 17018 हो, 16030 हो, लखनऊ गन्ना संस्थान की 14204 हो, या सिवरी गन्ना संस्थान की 8452 एक सीरीज थी, इनमें अटैक कीड़े का बहुत ही कम हो, खासकर टॉप बॉर्डर के लिए बोलूँ। हमारे यहाँ क्या समस्या है, कुछ क्षेत्रों में तो हमारे यहाँ पे तो वो है नहीं, खैर रेड रूट वगैरह की समस्या है, मगर हमारे यहाँ पे मोस्टली समस्या टॉप बॉर्डर की समस्या है बहुत बड़ी, इससे पार नहीं पाया जा रहा भाई जी किसी ढाल भी। मगर नई वेराइटी जो जंगल की तरफ हम ले गए इनमें कहीं ना कहीं हम हाल दिखा, चाहे आपकी 14204 हो लखनऊ गन्ना संस्थान की जर्नल में, 13035 करनाल की हो, 17018 करनाल की हो, या फिर 16030 हो करनाल की, जर्नल वेराइटी किसी की भी हो, एक इसकी है 13352 100 संस्थान की शाहजहांपुर की वेराइटी, बहुत अच्छा गन्ना है, ये वेराइटी सारी जर्नल की कारगर से बोल दे। चलिए बहुत बढ़िया। तो कीड़ा बढ़ता है जब मिठास आपके गन्ने बढ़ेगा, 8-10 महीने परिपक्वता की तरफ बढ़ जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं कीड़ा वगैरह बढ़ेगा, तो थोड़ा जर्नल पर रुझान करें, ये नहीं बोलता कि अर्ली मत वो मगर एक अनुपात बनाओ, कितनी भी गोष्ठियां हो आपको एक चीज भाइयों पढ़ाना है कृषि वैज्ञानिक, वेराइटियल बैलेंसिंग, वेराइटियल बैलेंसिंग, मगर उस बैलेंसिंग में मोस्टली यही चीज बताओ, अर्ली की ये बोल लो, ये बोल लो, ये बोल लो, जो उनसे अच्छी चलेगी वो रख लीजिए। जर्नल को हमारे जो पूर्व वैज्ञानिक भी हैं वो भी गोष्ठी में, मैं भी गोष्ठी एक आधी अटेंड करी इस तरह की, जनरल की वैरायटी का नाम लेते तो भी शर्म आवे ये हो भाई जी। हाँ नहीं हम एक अच्छी बात है, आप बताओ मेरे खेत में क्या फटा रही है। नहीं नहीं बिल्कुल बढ़िया, हाइट चल रही है, बढ़िया ग्रोथ है पौधे की और कलर भी अच्छा है, देख लो ये तो होगी 95। बिल्कुल आप इसकी पेडी भी देख लो। हाँ ये आपने इसका कटवाया था बीज, पेडी भी देख लो, फुटाव वगैरह है कि नहीं है,
बिल्कुल देख लो बढ़िया चल रहा, कोई सिलेंडर नहीं रुक रहा, ठीक ठाक फुटाओ वाला सही फुटाओ चल, सारी ऐसी चल रही। अब इसमें हर्बिसाइड की स्प्रे करी, ठीक है भाई जी। अच्छा अपने अपने पास कौन कौन सी वैरायटी हैं जो अगर कोई आपसे जानकारी लेना चाहे? मैं 14204 दे पाऊंगा लखनऊ की लीली मीटर से, 17018 16030 13035 और एक इसकी 5011 वैरायटी है इसकी, क्या बोलते हैं इसे करनाल गन्ना संस्थान की 5011 भी मेरे पास है। अर्ली में भी ऐसे नहीं कि प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसकी वैरायटी और भी है करनाल संस्थान की 05009 के नाम से आती है, वो भी अच्छी है, अच्छी वैरायटी है, वो भी अपने पास में है। चलिए ये तो वैरायटी की बात हो गई, अगर कोई किसान आपसे संपर्क करना चाहे, वैरायटियों को लेके खेत देखना चाहे, आपके पास आना चाहे, वेलकम, तो आपका गांव जो है वो राठौर है, राठौर बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? भाई जी गांव राठौर, जिला मुजफ्फरनगर, राठौर तहसील जानसठ। मैं फोन नंबर भी दे दूंगा। हाँ नंबर बताइए एक बार अपना। मेरा नंबर है 96341 131 92 36 34 131 132। कोई बात संपर्क करना चाहे कर सकता है, वैरायटी ये नहीं और भी बहुत ज्यादा है, वैरायटी तो बहुत ज्यादा है। चलिए अब हम बात करेंगे अपनी जी, क्योंकि आपको भी पता है और सबको पता है, अगर हम खेत पाए होंगे तो साडा वीर तो लगा हुआ होगा ही। हाँ जी भाई जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हम बिना साडा वीर के खेत पे पहुंचते भी नहीं है। तो साडा का नाम ही कुछ है, हाँ न्यूट्रिशन फॉर बेटर लाइफ है। हाँ। और पहले हमारे चैनल का नाम साडा वीर ही था, पर मैंने उसे चेंज कर दिया क्योंकि हम कुछ और भी चीजें देते हैं लोगों को, तो खेती के साथ साथ में उनके साथ में हमने कुछ चेंज कर लिया उसका नाम। तो मेन तो हमारा मकसद यही है कि हम किसानों के बीच उन्हीं लोगों के पास पहुंचते हैं जो हमारे रिजल्ट हैं। अब आप ये बताइए कि हमारे प्रोडक्ट के रिस्पांस कैसे हैं, रिजल्ट कैसे हैं? देखो रिजल्ट के बारे में बताऊंगा, देखो रिजल्ट शानदार, बेहतर, लाजवाब। जो लोग हमारे साथ में अटैच भी नहीं, कहना कंपनी में ऐड भी हम लोगों ने करने की कोशिश करी, वो ऐड भी नहीं हुए, वो बार बार हमसे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं। अभी परसों पड़े आपने पता है सारा, और बल्क में ले रहे हैं क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल, जिन्होंने लेट लगाया था उन्हें कुछ ना कुछ दिखा, देखो इस बार हम बोते टाइम ही लगाएंगे, लगाओ भैया, बिल्कुल मिलेगा निश्चित तौर। बिल्कुल तो लाभ है। देखो पर एक चीज कहना चाहूंगा, हर चीज के प्रॉपर टाइम है, बिल्कुल प्रॉपर टाइम है, पूरा कोर्स करना पड़ा। अगर मैं गन्ना बो गया खाली, किसी इसकी बात नहीं करता, खाली में गन्ना बो दिया, सिर्फ थोड़े बहुत फर्टिलाइजर गिर दिए, इसकी खुदाई जुताई, खासकर मैं खुदाई ना करूँ या नुड़ाई ना करूँ इसकी, सिर्फ किसी प्रोडक्ट के भरोसे छोड़ दिया फर्टिलाइजर के, तो काम बिल्कुल नहीं चलना। बिल्कुल बिल्कुल, एक अभी अपना रोल है वही है ना कि ये फसल और आदमी का एक संपूर्ण बनने के लिए उसे भी कपड़े पहनने पड़ते हैं, उसके भी बाल बढ़ाने पड़ते हैं, सही करने पड़ते हैं, कटवाने पड़ते हैं, सारा काम करना पड़ता है। हाँ मुझे जो करना आना पड़ा मैंने वो सब करा भाई जी, तो इसमें करा करें जी, खुदाई जुताई हो कोई भी मामला हो, मैंने सारे काम करे इसके टाइम से, तो मुझे रिजल्ट अच्छे मिले। अब मैं उधर भी थोड़ा समय दिखाना चाहूंगा, आ जाओ। एक ये वैरायटी है भाइयों 18009, इसे भी पूरा कोर्स कराया, ठीक है जी, पूरा कोर्स कराया, जो भी करा मैं बुआई के समय सड्डा भी लगाया फर्टिलाइजर की साथ में ऐड करा के, मैं कह दूं खाली ये गिरा नहीं, ऐड करा के लगाया, फिर 4G की स्प्रे भी करी, 5G की स्प्रे करी, गन्ना ढाकड़ की भी करी, गन्ना स्पेशल करी, और फंगस फाइटर की मैंने स्प्रे करी है, मुझे तो रिजल्ट अच्छे मिले। बढ़िया बढ़िया हाइट और रिजल्ट मिलेगा तब जब प्रॉपर आपने खेत में कुछ कार्यवाही कर रखी होगी, और मैं कहने लगा मैं खेत की तरफ आके नहीं लगाया, घर ही रहा तो उसका तो कोई फायदा है नहीं। देखो प्रोडक्ट के साथ में खेत में मेहनत भी करनी होती है, ऐसे ही फसल नहीं पड़ा। बिल्कुल इसके साथ में दिखाओ मेहनत सामने तक, ऐसे दिखा दो आप छोड़ो उधर क्या जाओगे, वो सामने की तरफ अपना 11015 खड़ा और सोच का उधर ही चल दे, नहीं यहीं से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा सोच का करना है 7 अक्टूबर को भैया, देखो लंबाई वंबाई तो कम नहीं है इसकी, बढ़िया लंबाई बहुत अच्छी, दो टाइम लगा भाई, भाई जी दो टाइम मिट्टी चढ़ाते टाइम भी सड्डा वीर वगैरह इस तरह की चीजें मैंने ली, 4G 5G 3G बोला 4G 5G ढाकड़ हो या फिर फंगस फाइटर हो, सारी चीजों का मैंने सेवन कराया है, अलग से चीजें भी डालनी है, ऐसा नहीं कि बाहर की फर्टिलाइजर नहीं गिरे, पर हाँ फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं कम पड़े मेरे, मगर उसके अनुरूप लागत के अनुरूप ही मुझे प्रोडक्शन मिल गया, ऐसा नहीं कि मेरा रिटर्न नहीं हो रहा, सारी चीजें मुझे वापस हुई जो मेरा रिटर्न था। जर्मिनेशन भी आप देख सकते हो 99.9% जर्मिनेशन इस खेत में है, किले से शेर गन्ने भी लट समान में, बिल्कुल बिल्कुल मजा आगे बाद में। तो रोहित भाई खुश हैं प्रोडक्ट से? अजी शांति से बड़े सुकून से सर। चलिए कोई आप रिजल्ट इस बार आए आपसे जहाँ रिजल्ट नहीं आया बता दूं, एक गेहूं बात का खेत है, उसमें मैं कंपनी का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल कोई रोल नहीं है, उसे प्रॉपर मैं मेहनत नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, लाइक कंपनी का कहीं कोई रोल नहीं है, मेरा फॉल्ट है वो, जिस खेत में मैंने खुरपा फाड़वाना हो तो मैं क्या उम्मीद कर सकूं उससे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, तो बिल्कुल संतुष्ट है प्रोडक्ट से,
बिल्कुल 100% कंटिन्यू लगते रहेंगे और मैं जब जब गेरूंगा वीडियो बनाकर डाल लूंगा। आपका ऐसा नहीं कि खाली बताने के लिए कर रहे हैं सब, बिल्कुल जब जब डालता हूँ वीडियो देता हूँ प्रॉपर। जो आपका मोबाइल नंबर हमने ले लिया है और जिसे भी कोई जानकारी बीज संबंधित चाहिए होगी वो आपको फोन करेंगे और बाकी प्रोडक्ट संबंधित भी जानकारी आपसे ले सकते हैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, फोन करके पूछ भी सकते हैं कैसे लगाना है कैसे क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जी, नमस्कार।